I, Kanika, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So, dear students, in our first assignment, we will discuss the two stanzas of your poem, The Cloud. And now, in this assignment 2, we will discuss the third, fourth and fifth stanza of your poem, That Oft Maiden with White Fire Ladle, whom mortals call the moon, glides glimmering over my fleece like floor by the midnight breezes stream, and whenever the beat of her unseen feet, which only the angels hear, may have broken the roof of my tent's thin roof. The stars peep behind her and peer, and I laugh to see them whirl and flee like a swarm of golden bees. When I widen the rent in my wind-built tent, till calm the rivers, lakes and seas, like stripes of the sky fallen, throw me on high, are each paved with the moon and these. Dear students, इस स्टेंजा में जो पोइट है वो उसने मून के बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शन दी है. देयर इज़ ए क्वेश्चन, हु इज़ द ऑर्बिट मैडन, कौन है ये हमारा? ये हमारा है क्लाउड. द क्लाउड इज़ अवर ऑर्बिट मैडन. क्लाउड को कहाँ किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? यहाँ पे मून किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? मून, द मून इज़ द ऑर्बिट मैडन. ओके बेटा, अब इसमें जो है जो पोइट है उसने ना सरफेस के बारे में कहा है कि वो मून जो है वो किस तरह से अपने सरफेस जो है वो क्लाउड्स की तरह चेंज करता जा रहा है. ठीक है, जो हमारा क्लाउड है वो एक लेयर फॉर्म करता है बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई में, और जो वो लेयर है हमारी क्लाउड की वो वाइट कलर की होती है, जैसे फ्लीज लाइक फ्लोर है ना. ये जो है वो किसकी तरह लुक करता है, किसकी तरह दिखाई देता है? एक सॉफ्ट फ्लीज ऑफ ए शीप, जो सॉफ्ट वुलन वुली कवरिंग ऑफ शीप के ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी लेयर होती है ना, ऐसी वाइट कलर की एक सॉफ्ट सॉफ्ट सी जो लेयर है उसको वो जो है वो कवर करता है. और जो ये लेयर है क्लाउड की वो अपीयर्स करती है लाइक अ फ्लोर, फ्लोर की तरह, जैसे हम फ्लोर करते हैं ना, फ्लोर हमारा जो फर्श होता है, वैसे ही एक फ्लोर की तरह वो जो है वो अपीयर करती है. Over which the moon and the stars seems to walk, जहाँ पर जो moons और stars हैं वो वहाँ पर जो हैं वो घूमते हैं. और इसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देती, आवाज़ नहीं आती है जब ये मूव करती है, बट जो एंजल्स हैं ना उनको ये जो है वो सुनाई देती है. ओके, नाउ द स्टार्स पीप बिहाइंड हर एंड पेयर एंड आई लाव टू सी दैम वर्ल एंड फ्ली like a swarm of golden bees. When I widen the rent in my wind built tent, बेटा इसमें जो है वो बोल रहा है कि जो क्लाउड है वो स्टार्स को देख के जो है वो स्माइल पास कर रहा है और वो हंस रहा है, और जो ग्लाइड कर जाता है ना वो ऊपर से चला जाता है, छा जाता है. जैसे क्लाउड है वो स्टार्स को देख के हंसता है, और वैसे कई बार जो है वो क्लाउड जो है ना वो स्टार्स को हाइड कर लेते हैं, छुप जाता है उसके अंदर. और जैसे ये सब कुछ होता है तो वो जो है वो जो पीप्स जो स्टार्स हैं वो छुप जाते हैं किसके अंदर? मून के अंदर छुप जाते हैं. और क्लाउड्स जो है वो कभी छा जाते हैं
और कभी बाहर आ जाते हैं, मतलब कभी निकल जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। और जो ये स्पिन लाइक अ स्वार्म ऑफ बीज, जो बीज की जैसे गोल्डन बीज की होती है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लाइक अ स्वार्म ऑफ गोल्डन बीज, ऐसी जैसे मधुमक्खिया का एक हमारा गोल्डन सा छत्ता होता है, वैसी जो एकदम से ये स्वार्म, उनको इकट्ठ को स्वार्म बोलते हैं, ऐसी जो रिवर्स की तरह ये रिफ्लेक्ट करता है रिवर्स में, लेक्स में और सीस में। और ये जो इसकी रिफ्लेक्शन है ना, वो एक तरह स्ट्राइप्स जैसे लहरें नहीं होती लहरियाँ, वैसे जो है वो स्काई में ना फॉलन हो जाती है, फॉलन डाउन हो जाती है। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट, आई बाइंड द सन्स थ्रोन विद अ बर्निंग जोन एंड द मून्स विद अ गिर्डल ऑफ पर्ल, द वॉल्केनोज आर डिम एंड द स्टार्स रील एंड स्विम when the world wins my banner unfurled from cape to cape with a bridge like ship over a torrent sea, sunbeam proves I hang like a roof, the mountains its columns be, the triumphal arch through which I march with hurricane fire and snow, when the powers of the air are changed to my cheer, is the million colored bow, the sphere fire above its soft colors walk, while the moist earth was laughing below। बेटा इसमें जो है ना पोइट जो है वो सन के आसपास जो है ना, सन के आसपास जो क्लाउड्स हैं वो सर्कल करते हैं। इसमें हमें सन के बारे में भी और मून के बारे में भी बताया गया है कि जैसे सन जो है वो और मून जो है वो एक दूसरे में वो सर्कल करते हैं, क्लाउड जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमते हैं इसमें। ठीक है, और जैसे हमारे जो माउंटेन्स हैं वो एक छत की तरह यहाँ पे यूज़ की गई है, जैसे हमारी घर की छत होती है ना बेटा, वैसे वो हमें प्रोटेक्ट करती है, वैसे ये वाली इसकी जो माउंटेन्स की जो छत है ना, वो जो है वो हमें जो है वो वहाँ पे मदद करती है। सन मतलब जो क्लाउड्स हैं वो, कभी क्लाउड जो है वो उसमें छुप जाते हैं और कभी जो है वो मतलब उसमें से हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसमें बेटा इन्होंने ये सन के बारे में ये सब बताया कि वो कभी डिसॉल्व हो जाता है और कभी वो रेन आ जाती है, और जैसे ही सन आ जाता है तो हमारे जो क्लाउड्स हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना, और कभी कभी ये जो है वो बिल्कुल मतलब एक स्फेयर फायर की तरह, मतलब एक बहुत सारे कलर्स की तरह मूव करना हो जाते हैं, और जो अर्थ है हमारी वो उस पर लाफ करती है, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो जब बारिश होती है तब वो एकदम से मतलब क्लियर हो जाते हैं, डिसॉल्विंग हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो फ्लावर्स हैं और न्यू बर्ड्स हैं वो जो सारे के सारे जो हैं वो क्लाउड्स को देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब क्लाउड्स आएंगे तो बारिश होएगी, तो बारिश होएगा तो जो सारा जो है हमारा स्काई जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें ना जो पोइट है उसने ना क्लाउड्स के बारे में कहा है, क्लाउड्स की ऑटोबायोग्राफी मतलब बता रहा है कि क्लाउड्स कैसे कैसे अपीयर होते हैं और कैसे कैसे डिसअपीयर होते हैं। नाउ लास्ट स्टैंजा, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर एंड the nursling of the sky, I pass through the pores of the ocean and shores, I change but I cannot die, far after the rain when with never a stain the pavilion of heaven is built, and the winds and sunbeams with their convex gleams build up the blue dome of air, I silently laugh at my own senator, and out of the caverns of flame, like a child from the womb, like a ghost from the tomb, I arise and unbuild it again। Dear students, इसमें जो पोइट है वो कह रहा है कि जो क्लाउड है वो अर्थ और वाटर का जो है वो डॉटर है, अर्थ और वाटर की डॉटर है, और जो स्काई है वो उसकी जो है वो नर्स है। ठीक है, और जैसे वो पास थ्रो होता है पोर्स ओशंस की तरह
समुद्रों में से निकलता है, कहीं से निकलता है, वो उसके जो क्लाउड्स हैं ना वो चेंज होते हैं, बट वो कभी भी जो है वो मरते नहीं हैं। वो अपनी जो छाप है ना, वो मतलब अपनी जो स्टेन, मतलब एकदम से अलग, कभी वो कौन सी शेप में हो जाता है, कभी वो कौन सी शेप में, अलग अलग शेप्स में हो जाता है, कभी वो डिसअपियर भी हो जाता है, कभी वो दिखाई भी नहीं देता, डिसॉल्व भी हो जाता है, बट वो कभी भी जो है वो मरता नहीं है। इसमें बोला गया है कि जैसे वो जब रेन आती है वो गायब हो जाते हैं, और जो क्लाउड है वो बिल्कुल स्काई जो है वो क्लियर हो जाता है और क्लाउड नहीं होता, और रेन आने से पहले जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और वैसे ही जैसे सन आता है तो वैसे ही सन में भी वो जो है हमें दिखाई नहीं देता। और इसके एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दी है कि लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वॉर्म, लाइक अ घोस्ट फ्रॉम द टॉम, कि जैसे कि जो एक चाइल्ड है वो अपनी मदर की वॉर्म में होता है तो वो बाहर आ जाता है ना, थोड़ी देर, थोड़े मंथ्स के लिए होता है, फिर वो बाहर आ जाता है। और ऐसे ही जो घोस्ट है ना वो भी टॉम में होते हैं, है ना, जो हमारे चर्च यार्ड्स होते हैं वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ से भी वो थोड़ी देर बाद फिर जो है वो निकल जाते हैं। ऐसे ही जो है वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो जो है वो फिर से जो है वो बार बार जो है वो क्लाउड्स जो हैं वो आते रहते हैं। क्लाउड्स आर नेवर डाई बेटा, इसमें जो है वो पोइट ने क्लाउड के बारे में सारी ऑटोबायोग्राफी दी है कि जो क्लाउड्स हैं वो कभी भी मरते नहीं हैं, और वो जो क्लाउड्स हैं वो अपनी अपनी शेप्स में आते हैं, और क्लाउड्स को देख के बहुत सारे जो हमारे फ्लावर्स हैं, थर्स्टी फ्लावर्स हैं, और जो हमारे बर्ड्स हैं, छोटे छोटे बर्ड्स जो उड़ने वाले होते हैं फ्लावर्स, वो सब जो हैं वो खुश हो जाते हैं इसको देख के। सो आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।